हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब के चैनल में। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास रेडमी नॉट 10 है या तो फिर 10 प्रो का फ़ोन है और आप सभी लोग अपने फ़ोन में FM रेडियो सेटिंग करना चाहते हैं, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इसी के बारे में बताने वाला हूँ। तो चलिए गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले तो जब आप अपने फ़ोन में FM रेडियो को ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। तो यहाँ पे आपको गाइस जो है, आपको अगर आपको जो है न्यू चैनल ऐड करनी है तो यहाँ पे आपको क्लिक करके आप यहाँ पे सबसे नीचे में स्कैन का ऑप्शन आता है, तो यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके फ़ोन में न्यू चैनल स्कैन हो जाएगा। ओके, और आपको जो है अगर कुछ सेटिंग्स करनी है तो आप यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करिए। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद आपको जो है फर्स्ट में स्विच टू स्पीकर का ऑप्शन देखने को मिलता है, यानी कि आप अपने फ़ोन में जो है ईयरफोन लगाएंगे, उसके बाद अगर आप जो है रेडियो को स्पीकर में करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे स्विच टू स्पीकर पे क्लिक करके आप यहाँ पे रेडियो को जो है स्पीकर में कर सकते हैं, जिसके बाद आपको आपके फ़ोन के जो स्पीकर है उस पर आपको रेडियो सुनाई देगा। ओके, और दूसरा है जो स्लीप टाइमर है उसको आप सेटिंग कर सकते हैं। और गाइज, यहाँ पे आपको जो है अपना जो भी सॉन्ग आप यहाँ पे सुन रहे हैं उसको आपको रिकॉर्डिंग करने का भी ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। स्टार्ट रिकॉर्डिंग पे आप क्लिक करेंगे तो आपका जो सॉन्ग है वो रिकॉर्ड हो जाएगा। उसके बाद आपको जो है रिकॉर्डिंग्स का फिर से ऑप्शन आता है, जो कि आपने अगर रिकॉर्ड करा होगा तो वो सारी फाइल्स यहाँ पर आपको जो है देखने को मिल जाएंगी। तो इसी तरीके से गाइज, आप सभी लोग जो है अपने फ़ोन में FM रेडियो को जो है सेटिंग कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।